पुलिस अधीक्षक औरैया श्री हरिश्चंद द्वारा जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना अजीतमल पुलिस व डायल 100 व फफूंद पुलिस के सहयोग से बड़ी कार्यवाही करते हुए दिनांक 12 मार्च को समय 1 बजे पशु चोरों मेहताब पुत्र जायस अली मोहम्मद मोतीपुर थाना फफूंद औरैया, दो निर्भय पुत्र अमर सिंह अकबरपुर थाना अयाना औरैया, मोहम्मद असलम पुत्र कलाम खां भराव थाना फफूंद औरैया, हेमू पुत्र राम मोहन दसरौरा थाना फफूंद औरैया, पांच शिवम पांडे पुत्र अश्विनी कुमार बाबा का पूर्वा थाना फफूंद औरैया से चोरी के 2 अदद बकरी व अदद बकरा अदद जायजो गाड़ी नंबर UP 69 M 3488 व जिसके संबंध थाना स्थानीय पर मुकदमा संख्या 122/19 धारा 389/411 IPC व मुकदमा संख्या 124/19 धारा 3/25 ए एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत किया गया। ये बहुत ही शातिर किस्म के अपराधी, इनके द्वारा जनपद के कई थाना क्षेत्रों में चोरी की घटना में संलिप्तता प्रकाश में आई है। जो ये कैदी पकड़े गए हैं, ये किस मामले में है ये कैदी? औरैया जनपद के अजीतमल थाना क्षेत्र में बकरी चोरी की कई घटनाएं हुई थी। बहुत दिनों से यहाँ की पुलिस लगी हुई थी इस गिरोह को पकड़ने में। इनको एक बड़ी अच्छी कामयाबी मिली जिसमें इस गिरोह के पूरे लोग पकड़े गए हैं और उनसे बकरियां भी बरामद हुई हैं, एक जायजो गाड़ी मिली है। इस गिरोह में और भी लोग बहुत सारे सक्रिय हैं, एक एक करके गिरोह के सारे लोगों को पकड़ा जाएगा। इनके द्वारा न सिर्फ इस जनपद में बल्कि पड़ोसी जनपदों में भी घटनाएं की गई हैं। कानपुर देहात में, बिधुना में कई जगह घटनाएं की गई हैं। वो सभी ने इनसे भी पूछताछ किया है और इनके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की है। सर, कितनी बकरियां पकड़ी गई हैं इन लोगों के पास से? इनके पास से 3 बकरियां पकड़ी गई। TV1 इंडिया न्यूज के लिए गौरव सिंह चौहान की रिपोर्ट, औरैया। फिरोजाबाद में सिलेंडर के दिलाने के बहाने आशा ने नसबंदी करा दी। जी हां, मामला फिरोजाबाद का, जहां पर कस्बा पाड़म निवासी 24 वर्षीय युवक तपन कुमार पुत्र रघुराज सिंह की आशा ने धोखे से नसबंदी करा दी। वही पीड़ित ने शिकायत कर DM सिल्वा कुमारी जे के साथ SSP सचिन पटेल से शिकायत, तो स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। CMO के आदेश पर एका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉक्टर मनोज कटारा पीड़ित के घर पहुंचे और उससे पूछताछ की। पीड़ित ने बताया कि आशा ने उसे सिलेंडर दिलाने की बात कही और धोखे से नसबंदी करा दी है। डॉक्टर मनोज कटारा ने कहा कि पीड़ित को मुआवजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। पीड़ित की पत्नी ने कहा कि अधिकारी झूलमूल रवैया अपना रहे, जबकि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है। पीड़ित ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। क्या सुना दिया, क्या नहीं सुना दिया, बेहोश हो गए हम। कहाँ ले गई, कहाँ नहीं ले गई, बस मैंने कुछ लालच वगैरह दिया आपको? कोई लालच नहीं दिया, हमारा खाता भी तक नहीं खुला था। जी कह रही 3,000 रुपये लेके तेरी घरवाली शादी करने गई है, चलो हमारे साथ। हमारी नसबंदी करा दी गई। क्या नाम है तुम्हारा? हेमलता। अच्छा, ये आपके हस्बैंड की जो नसबंदी हुई है, इससे आपको क्या मतलब परेशानी? मैं अपने माँ के गई, मेरी भतीजा हुआ भाभी के, हाँ। तो मैं चली गई, मुझे कैसे भी मालूम नहीं है। मेरी सास घर पर रह गई और गैर सिलेंडर के बहाने चुपचाप बुला लेंगी, नसबंदी करवा लाएंगी। 2 बच्चे में क्या करूँगी, क्या नहीं करूँगी, मुझे बताओ। छोटे छोटे बच्चे आए, 3 साल शादी को गई हैं। तो क्या आप कार्रवाई करना चाहो? कार्रवाई करवाई चाहते हैं हम। आज हमारी करवाइए, कल को और कोई करवावे। पूरे पाड़ में ऐसे ही लड़का ज़्यादा आए पागल से, तो आज हमारे लगे कल को कागू और के ले जाइए। ऐसे कोई ना करे तो जी, तो फिर आगे कदम बढ़ावे। डॉक्टर मनोज कटारा जी, ये इस विषय में आप जो नसबंदी का प्रकरण जो आपका है, इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इनकी नसबंदी हुई है, इनका नाम दीपू है, इनकी उम्र 24 साल है, इनके 2 बच्चे हैं, तो 2 बच्चे वाले केस की नसबंदी, पुरुष नसबंदी NSV कराई गई और जो कि ब्लॉक एकाप है खैरगढ़ अस्पताल में, हमारे स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर सर्जन द्वारा कराई गई। यदि इसमें कोई भी इनको परेशानी है तो वो अस्पताल में आके हमसे संपर्क करें और हम खुद संपर्क करने के लिए आए, जबकि इनके परिवार जो है इस चीज़ से जो है संतुष्ट नहीं है। ऐसा है, उसमें जो कंसर्न ली जाती है वो उस स्वयं व्यक्ति की ली जाती है, न कि पूरे परिवार की ली जाती है। तो वो व्यक्ति भी तो जो है संतुष्ट नहीं है इस चीज़ से। यदि वो संतुष्ट नहीं है तो वो अपनी कंप्लेंट करे, जाते ही नहीं, सही है कि नहीं? आप कंप्लेंट करने के लिए कौन मना कर रहा है, वो क्या चीज़ चाहते हैं वो बताएं। किस चीज़? TV1 इंडिया न्यूज़ के लिए गजेंद्र सिंह की रिपोर्ट, फिरोजाबाद।
जनपद फिरोजाबाद में लोकसभा सामान्य निर्वाचन के मद्देनजर प्रत्येक दिन वाहन चेकिंग कराई जा रही है। यदि किसी वाहन पर प्रचार संबंधी सामग्री पाई जाती है तो संबंधित वाहन स्वामी के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। वहीं चेकिंग के दौरान वाहनों पर काली फिल्म हुटर लगाए तो वाहन स्वामी के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया जाएगा। वारंटियों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्यवाही की जा रही है। चुनाव के मद्देनजर जनपद में 16 अवैध शराब माफियाओं को चिन्हित कर कार्यवाही की जा रही है। साथ ही अगले 15 दिन तक जनपद में अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। उक्त अभियान में अधिक से अधिक अवैध शराब एवं शराब माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही की जाती है। वहीं चुनाव के दृष्टिगत जनपद के समस्त थाना प्रभारियों को अपने अपने थाना क्षेत्र अंतर्गत मतदान केंद्रों पर 1,000 विजिटिंग कार्ड जिस पर जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों के मोबाइल नंबर अंकित होंगे बंटवाए जा रहे हैं, जिससे आमजन द्वारा चुनाव संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या शिकायत से तत्काल उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जा सके। वहीं प्रत्येक मतदान केंद्र के अंदर एवं बाहरी दीवारों पर पेंटिंग कराकर उच्च अधिकारियों के मोबाइल नंबर अंकित कराए जा रहे हैं, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उच्च अधिकारियों से शीघ्र ही संपर्क किया जा सके। चुनाव प्रचार संबंधी सामग्री जहां भी आवश्यक रूप से लगी हुई उसे तत्काल हटवाए जाने हेतु निर्देश दिए गए। वहीं S10 ऐप जिसमें जनपद के प्रत्येक गांव से 10-10 संभ्रांत व्यक्तियों के संपर्क सूत्र के प्रयोग की जानकारी एवं प्रयोग किए जाने हेतु दिशा निर्देश दिए गए। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जनपद के समस्त होटल ढाबों के मालिकों को उनके यहाँ पर रुकने वाले व्यक्ति का डाटा एक रजिस्टर में आवश्यक ID प्रूफ के साथ रिकॉर्ड मेंटेन किए जाने हेतु निर्देश किया गया। सर, चार पहिया और दो पहिया वाहनों पर राजनीतिक पार्टियों के सिंबलाइजेशन के चिन्ह बने हुए हैं, इन पर क्या कार्रवाई की जाएगी आप द्वारा? देखिए, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 के तहत आदर्श आचार संहिता लागू है। ऐसे किसी भी सिंबल को बिना अनुमति के जो भी यूज़ करेगा, चाहे वो दो पहिया वाहन हो, चाहे चार पहिया वाहन हो, चाहे वो नंबर प्लेट हो, तो उनको संज्ञान में लेकर उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। TV1 इंडिया न्यूज़ के लिए देवशीष शर्मा की रिपोर्ट, फिरोजाबाद। उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद में क्राइम ब्रांच व थाना नसीरपुर को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सचिन पटेल के निर्देशन में बड़ी सफलता हाथ लगी, जब उन्होंने 27 फरवरी को अपराधियों द्वारा वैगनार कार द्वारा भूसे की ट्रॉली को रोककर लूट करने वाले गैंग को क्राइम ब्रांच व थाना नसीरपुर की टीम ने धर दबोचा। वही घटना का अनावरण वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सचिन पटेल ने सभागार में प्रेस वार्ता के दौरान किया। ये घटना नसीरपुर थाना क्षेत्र में विगत 27 फरवरी के दिन हुई थी, जिसमें एक भूसे से लदी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली को अज्ञात बदमाशों के द्वारा ओवरटेक करके वैगनार गाड़ी से लूट लिया गया था। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए इसमें हमारी क्राइम ब्रांच की टीम और नसीरपुर थाने की टीम लगातार काम कर रही थी। उसमें महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त करते हुए जो लूटा हुआ ट्रैक्टर ट्रॉली है उसको बरामद किया गया और उस घटना में 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। 2 अभियुक्त अभी इसमें फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। अभियुक्तों के पास से 3 मोटरसाइकिलें बरामद हुई, जिसका भी सत्यापन किया जा रहा है। 2 अवैध लाइसेंस जो अवैध असलहे बरामद हुए हैं और इसके अलावा जो वैगनार गाड़ी जो इस घटना में इस्तेमाल की गई थी ओवरटेक करने, उसको भी बरामद किया गया है। सभी अभियुक्तों के इसमें आपराधिक इतिहास का संकलन किया जा रहा है और उनके ऊपर गैंगस्टर और अन्य कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। किस तरीके का गैंग है, जनपद के अलावा भी कई दूसरे घटना देते? ये शातिर अपराधियों का संगठित गैंग है जो इस तरीके से सुनसान जगहों पे लोगों की रेकी करके घटनाओं को अंजाम देता था, और इसमें हम लोगों ने जो मैनुअल इंफॉर्मेशन उस पर भी काफ़ी अच्छा। TV1 इंडिया न्यूज़ के लिए देवशीष शर्मा की रिपोर्ट, फिरोजाबाद।